So very good mornings to all of my students. Once again, we are going to start the session of sciences. इस साइंस के सेशन में काफी इम्पोर्टेंट क्लासेस आज चलने वाली है। आज आप देखोगे ब्लड सर्कुलेशंस, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में ब्लड्स और ब्लड्स ग्रुप्स को लेके सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी। सारी क्लासेस को मैंने आपको करा दिया था और इसमें आपने देखा था कि ब्लड्स होता क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप्स किसके साथ यूज करें, कि किसका ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग में किसकी पॉसिबिलिटीज है, किसकी पॉसिबल्स नहीं है, इन सारी बातों को मैंने कहा था। आज देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसा है। उससे पहले थोड़ा प्रोमोशनल वीडियो की ओर आते हैं। आप देख रहे हो कि स्पेशल ऑफर्स आपको दिया जा रहा है, 20% डिस्काउंट फॉर ऑल आवर कोर्सेस। आप ये AAA को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस है, बट ऑनलाइन कोर्सेस में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए इस नंबर पे। आपकी पढ़ाई जारी रखे, ये हमारा दायित्व है। इसके लिए हम लोगों ने ये AAA संस्था मात्र धनबाद और झारखंड की एक ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कर रही है और ये CTET और JTET की बहुत जल्द क्लासेस को लेकर आ रही है। फॉर इंक्वायरीज विजिट साइट्स AAASmartInstitute.com। तो आप सिलेक्शंस आप का श्योर हो, इस प्रोसेस को देखते हुए ये AAA स्मार्ट क्लासेस आपके स्पेशल ऑफर्स को लेकर आ रहा है, ताकि जो पेंडेमिक की वजह से आपके घर की जो आर्थिक लॉस हुई है, हम भी उसके साथ हो जाए और आपको थोड़े कम प्राइसेस में कोर्स को कंटिन्यू करें। डियर, फिर से जब आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेस में आएंगे तो सेम पैटर्न पे आप आ जाएंगे। डियर, आप देख सकते हो ये प्राइस लिस्ट आपको दी गई है, जिनमें आप JPSC, BPSC, JSSC, रेलवे, बैंक PO, बैंक क्लर्क, CTET, JTET, एंड एकेडमिक एंड एकेडमिक्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जितने भी कोर्सेस हैं, अगर मान लो आप JPSC की बात करते हो, ऑफलाइन में हमारी 25,000 की कोर्सेस है, पूरी की PT और मेंस की, वो आपको जस्ट आपको 10,000 में मिल जा रही है। 10,000 में मिल जा रहा है प्रिलिम्स के लिए। और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन आते हो तो आपको 8,000 में मिल जाते हैं। अगर आप फिर ऑनलाइन आते हो तो 50,000 में मिल जाते हैं। मतलब 25,000 के कोर्स जस्ट 15,000 में और 10,000 के कोर्स जस्ट 8,000 में। इस तरह से सभी जगहों पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है और ये तो हमारे कमिटेड प्राइस है। इस प्राइस पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स अगर 8,000 की कोर्सेस आपने ली है, मान लो कि आपने 8,000 की कोर्सेस ली है, इनमें आपका 20% का डिस्काउंट मिल गया। मीन्स 8,000 में आप 1,600 को घटा दो, 6,400 में आप ये वाली कोर्स ले सकते हो। इस तरह से आप हर जगह पे आपको कोर्स को क्या करो, डिक्रीज करते चलो, सभी को डिक्रीज करते चलो। 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं ईच एंड एवरी कोर्सेस में। आप अगर SBI की वैकेंसी आई है, उसमें अगर आप बैंक क्लर्क की बात करो तो आप देख रहे हो कि 20% मतलब आप 4,000 के जो 20% होते हैं आपको डिस्काउंट्स मिल गए। तो आप 3,200 में आप अपनी कोर्सेज को कर पाओगे। ये सुविधाएं आपको दी गई है, तो ये दी गई है ऑफलाइन के ऊपर, करेक्ट। चलिए, आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक्स है। आज हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो आपको ये पता होगा कि आपके बॉडी में टोटली ब्लड का सर्कुलेशन मीन्स ब्लड को हार्ट से बाहर जाना और फिर आपके विभिन्न बॉडी से उस ब्लड को कलेक्ट करके आपके हार्ट में लाना, इन सारे की जिम्मेवारी किनके द्वारा होती है, ये होती है हार्ट के द्वारा। और हार्ट डियर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है। तो आप देख रहे हो कि जब भी हार्ट कंट्रैक्ट करता है, अगर आप हार्ट की बात करो तो ये हार्ट का जो ये लेयर्स होता है, इस लेयर्स को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम लेयर। दिस लेयर इज नॉन ए मायोकार्डियम लेयर। इस मायोकार्डियल्स में आप यहाँ पे देखोगे तो पेसमेकर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पेसमेकर्स लगे होते हैं। ये पेसमेकर ना आपको इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के कारण हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो कि इस तरह से फोर्स अंदर लगेगी, इस तरह से फोर्स अंदर लगेगी, इस तरह से फोर्स अंदर लगेगी, और हार्ट पूरा आपका ब्लड से भरा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ब्लड जो है शरीर के बाहर चला जाता है। और ये शरीर से बाहर किससे जाता है, तो एओर्टा से जाता है। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरीज है,
जो कॉन्ट्रेक्शन के बाद ब्लड ये जाता है और ये शरीर के विभिन्न भागों में आपको ब्लड को पहुंचा देता है। उसके बाद जब ब्लड को रिलैक्सेशन होता है, मतलब आप ये फोर्स आउटसाइड लगने रख रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो क्या होता है अंदर वॉल्यूम्स खाली हो जाते हैं, तो बाहर के सारे इम्प्योर ब्लड्स हैं जो शरीर के अंदर चले आते हैं। अगर आप हार्ट को देखोगे तो फोर चैम्बर्स हार्ट होते हैं, राइट ऑटियम्स एंड लेफ्ट ऑटियम्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो आपके शरीर में जितने भी इम्प्योर ब्लड्स होते हैं वो राइट ऑरिकल में आते हैं और राइट ऑरिकल से फिर चले जाते हैं राइट वेंट्रिकल्स में। फर्स्ट ये कलेक्ट होगा, ये देखो ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है राइट ऑरिकल्स में, दिस इज इम्प्योर ब्लड्स, एंड फ्रॉम देयर दिस इम्प्योर ब्लड्स गोज टू द राइट वेंट्रिकल्स, ओके, फ्रॉम देयर राइट वेंट्रिकल्स इट्स गोज टू द लंग्स, ओके, यहां से ये कहां चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है, गो टू द लंग्स, ओके। इस लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आप देखोगे लंग्स में ये चला जाता है और लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और प्योर होकर फिर ब्लड आप देख रहे हो आपके बॉडी में चला आता है, कैसे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से, और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से, लेफ्ट ऑर्टियम के माध्यम से फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है, ये ब्लड देखो ये प्योर ब्लड से ये चलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ओके। और इस प्योर और इम्प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, चैम्बर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन होते हैं, तो सेप्टम्स पाए जाते हैं, ओके, और यहाँ पे आर्टिकुलर्स वाल्व पाए जाते हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। सो डैट कि ब्लड आपके कहाँ चले आए, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारे ब्लड आप देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे ब्लड आए और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारे ब्लड एओटा के माध्यम से आपके विभिन्न भागों में चला जाता है। तो आप देखते हो आपके शरीर में जो ब्लड का मूवमेंट्स होता है वो दो बार होता है। तो जब कभी आपके शरीर में ब्लड्स का मूवमेंट्स दो बार हो, आप समझ लेना कि आपका जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। सो इनसाइड ए हेल्दी हार्ट ये सिस्टम्स आपकी बनी होती है। फिर से देखना ये जो हार्ट की जो लेयर्स होती है, ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप हार्ट के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन पूरी आपको मिल जाए। क्लियर है, चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, ओके। सारे बंदे को आग्रह है कि आप ये फोटोग्राफ्स को बना लें, ये मैं एक रफ फोटोग्राफ भी सेशन के अंत में दूंगा, इसको आप बना लीजिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, चलिए। या तो फिर आप इसे डाउनलोड कर लें पीडीएफ के फॉर्म में, करेक्ट, यू कैन मेक इट पीडीएफ, या आप टेलीग्राम ऐप्स पे मेरे साथ जुड़ जाओ, दिस इज द एमिनेंट एजुकेटर। आप जैसे इस टेलीग्राम ऐप पे जुड़ते हो मैं आपको उस पर आप पीडीएफ भेज दूंगा। देखो सबसे पहले आपके शरीर में जो ब्लड्स होते हैं, इम्प्योर ब्लड्स की बात करते हैं, तो आपके शरीर में इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी मतलब लंग्स के माध्यम से, मान लो यहाँ पे लंग्स है तो लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड्स होते हैं, ओके, इम्प्योर ब्लड्स आपके शरीर में जाते कैसे हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा इम्प्योर ब्लड चला गया, करेक्ट, ये पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं PA, ओके, ये ब्लड्स कैसे जाता है, तो ये इसके वजह से रीजन कौन है, तो पेसमेकर हार्ट की धड़कन को बढ़ाता है और घटाता, जैसे कि मैंने आपको चर्चा किया, तो ये चला गया लंग्स में और लंग्स में प्योर ब्लड होके थ्रू आपको चलाता है लेफ्ट ऑटियम्स, और लेफ्ट ऑटियम चलाता है किसके द्वारा, तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, और ये लेफ्ट ऑटियम में आते ही ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से, ओके, ये आपके डिफरेंट शरीर के बॉडी में एओटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके, और जो आपके शरीर में इम्प्योर ब्लड्स हो जाते हैं वो फिर जो लंग्स में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का इम्प्योर होते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं किसके माध्यम से, तो पल्मोनरी आर्टरी से। इस तरह से आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा होता है बॉडी के अंदर। आइए अगर हम देखते हैं कि इनसाइड जो हमारा हार्ट है ये बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हार्ट के अंदर सबसे पहला फंक्शन कौन करता है, तो पेसमेकर, कौन करता है, पेसमेकर, कौन करता है, तो पेसमेकर। ये पेसमेकर क्या है, जनरेट इलेक्ट्रिक पल्स, और ये इलेक्ट्रिक पल्स कैसे जनरेट करेंगे, तो सोडियम और कैल्शियम्स इनके अंदर चैनल्स होता है, इसके कारण जो है ये इलेक्ट्रिक पल्सेस को जनरेट किया जाता है, और इस इलेक्ट्रिक पल्स के करने कारण ये जो मायोकार्डियल्स
कार्डियल्स रिदम डेवलप करता है, इट इज नॉट द मायोकार्डियल रिदम्स। इस रिदम्स के कारण आपके हार्ट में क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, पहला कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट और दूसरा होता है रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट। कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, अदर वन इज द रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट। तो कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट जैसे ही होती है तो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसका नाम है सायस्टोलिक एसबीपी, सायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब रिलैक्सेशन होता है तो इसका नाम है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप लोग लोकल में कहते हैं ऊपर वाला और इसको कहते हैं नीचे वाला। ओके, तो ये नॉर्मली 120 और ये नॉर्मली 80 होना चाहिए। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 है, तो आप नॉर्मल हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू JNC7 गाइडलाइन, इस JNC7 गाइडलाइन से 130/90 अगर आपका 90 भी है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि आज के दिन में मनुष्य के पास स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है। तो आप लिख लोगे पेसमेकर्स जनरेट इलेक्ट्रिक पल्स, इसके कारण सोडियम और पोटेशियम, इस मायोकार्डियल्स में एक चैनल्स होता है जिसको कहते हैं सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स। ओके, और ये जो हार्ट का जो पार्ट्स होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो हार्ट के अंदर का जो मसल्स है उसे कहते हैं मायोकार्डियल मसल्स। तो इस मसल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है थ्रू इलेक्ट्रिक पल्स के कारण, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलता है। ओके, अब एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब ये अगर आपका हार्ट है, मान लो यह अगर आपका हार्ट है, तो हार्ट में जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे जो ब्लड्स है वो सारा का सारा ब्लड्स क्या है, शरीर के बाहर चला जाएगा। और इस किसके द्वारा जाता है, तो एओर्टा के द्वारा। ओके, किसके द्वारा जाता है, एओर्टा, और फिर विभिन्न विभिन्न आर्टरीज में डेवलप होके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्लड चला जाता है। ओके, ये क्या है, आफ्टर कंट्रैक्शंस, आफ्टर कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, ब्लड गोज आउटसाइड द हार्ट बाय ओटा, एओर्टा, ठीक है, आउटसाइड द हार्ट बाय एओर्टा। तो कंट्रैक्शन के बाद शरीर से बाहर ब्लड आपको जाता है। ओके, तो आफ्टर कंट्रैक्शन ब्लड गोज आउटसाइड द हार्ट बाय कॉन्ट्रैक्शंस फोर्स, करेक्ट, इसको लिखने का प्रयास करोगे। अब देखो जब हार्ट रिलैक्स होना शुरू होता है, व्हेन द हार्ट इज गोइंग टू बी रिलैक्स, अगर ये हार्ट रिलैक्स करना शुरू करेगा तब क्या होगा, व्हेन द हार्ट इज गोइंग टू बी रिलैक्स देन व्हाट विल बी हैपन, ये देखने का है। जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है तो क्या देखने को मिलता है, तो जब हार्ट आपका ये है और ये जब आपका रिलैक्स कर रहा है, मतलब रिलैक्स कर रहा है मतलब ये फैल आराम से हो रहा, तो ये फैल जाता है, ये फैल जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इसके में जो लंग्स होते हैं ना, जो लंग्स के पास जो इम्प्योर ब्लड्स होते हैं, दैट इज इम्प्योर ब्लड्स, माने अशुद्ध जो रक्त होता है वो सीधा चला आता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये आपके पास चलाया शरीर के अंदर, मींस हार्ट के अंदर। ओके, और ये हार्ट के अंदर जाता है किससे, तो आप देख ले हो ये राइट ऑटियम्स के द्वारा। तो इम्प्योर ब्लड राइट ऑटियम में क्या जाता है, तो इम्प्योर ब्लड्स फ्रॉम लंग्स। और ये जो आपका देख रहे हो ये आर्टरीज जो है वो कौन सा है, तो पल्मोनरी आर्टरीज। अब इसके लंग्स आ गए यहाँ पे, ये चला गया राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स से ये फिर चले जाते हैं कहाँ पे, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स के अंदर। ओके, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स के अंदर इम्प्योर ब्लड आया यहाँ पे, और फिर ये बाहर पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहाँ चले गए, लंग्स के अंदर चले गए, और यहाँ पे फिर प्यूरिफाई होके फिर इस तरह से ब्लड आपका सप्लाई होता रहता है। तो रिलैक्सेशन जब हार्ट होता है, when the relaxations of heart, it means blood goes inside the heart, तो ये blood शरीर के blood जो है heart के अंदर चला जाता है। okay, तो relaxation पे आपने देखा heart से blood बाहर जाता है और through aorta आपके body के विभिन्न भागों में चला जाता है।
और रिलैक्सेशन के बाद ये हार्ट के अंदर आता है और वहां पे फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में चला जाता है। क्लियर? चलिए, आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरीज ये कहां लेके गया? टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन कहां पे आ गया? तो फ्रॉम द लंग्स। ओके, तो आप लंग्स की ओर जाता है कौन? देखो ये जो ब्लू वाले ब्लड्स है ना, ये इम्प्योर ब्लड है। आप देखो लंग्स में जा रहा किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब देखो रेड वाले साफ ब्लड है ना, ये कहाँ आ रहा है? पल्मोनरी वेन के द्वारा। अब देखो पल्मोनरी वेन के द्वारा आ रहा तो किधर आ रहा? लेफ्ट ऑर्टियम में आ रहा। ओके, और इधर से अगर आ रहा है, देखो ये पल्मोनरी, ये किसके द्वारा जाएगा? तो राइट ऑर्टियम में आएगा। ओके, तो लेफ्ट ऑर्टियम में हमेशा क्या मिलेगा आपको? प्योर ब्लड्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या मिलेगा? प्योर ब्लड्स। ओके, और राइट ऑर्टियम्स में आपको क्या मिल रहा है? इम्प्योर ब्लड्स। तो आपको राइट वेंट्रिकल्स में भी क्या मिलेगा? इम्प्योर ब्लड्स, इम्प्योर ब्लड्स। ओके, करेक्ट। ये आपका इंपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, ये आपको नहीं देखना है, ये जस्ट देखना है कि किस तरह से पल्मोनरी वेन में चला जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। आप चाहोगे तो इसको ये रिकॉर्डेड रहेगा, आप इसको रिकॉर्ड करके बार बार आप फिर इसको देख सकते हो घर में और इसको नोट्स को बना सकते हो। आइए अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोग एक रिटन तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखो मैंने जैसे पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लूइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस सब्सटेंसेस टू वेरियस बॉडी पार्ट। आपको मैंने बताया था कि यह एक फ्लूइड्स है, तो आपके द्वारा जो आप भोजन खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम, फिर आपके शरीर के विभिन्न भागों से लाने का काम कौन करता है? तो ये करने वाला कौन है जी डियर्स? ये करने वाला है आपका ब्लड सर्कुलेशन। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है, यह एक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करता है। दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब यहाँ पे कार्डियो मींस होता है हार्ट, और हार्ट के अलावा क्या है? तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन। तो एक्चुअली हार्ट क्या है? कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट इज बेसिकली ए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आप बताओ ये इसमें बात करनी है, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट अलाउ ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स। ओके, तो ये शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ऑर्गन सिस्टम है जो ऑक्सीजन, आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन क्या है, ये कैरी होता है किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है, तो ये प्लस टू ओ के साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के द्वारा ये ब्लड्स के अंदर क्या ले जाता है? ऑक्सीजन, और फिर शरीर से बाहर क्या निकाल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और हार्मोनल एक्टिविटी करता है। लेकिन सारा एक्टिविटी किसके द्वारा होता है? तो ब्लड्स के द्वारा हो सकता है। तो आप बोल सकते हो ब्लड्स एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ब्लड्स वर्क लाइक ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और इसमें मदद कौन करता है? तो हार्ट। इसलिए आपको जो है वेंट्रिकल्स, आर्टिकल्स एंड द हार्ट मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का काम करते हैं, जिसे कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दीज आर सर्कुलेटेड टू एंड फ्रॉम द सेल्स इन द बॉडी टू नरिश इट। ये सेल के अंदर जो है क्या है? खाना लेके आता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर चला जाता है। खाना लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके चला जाता है, और खाने के साथ ऑक्सीजन आता है, खाने के साथ ऑक्सीजन लेके आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर चला जाता है। तो ये आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, शुद्ध रखता है, और शरीर को न्यूट्रलाइज देता है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, अगर पूछा जाए दिए गए एग्जाम्पल में से बताइए कि कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो पहला पार्ट क्या होगा? हार्ट। दूसरा क्या होगा? ब्लड। तीसरा क्या है? रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल अदा करते हैं। आइए, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो पहला क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। आपके शरीर में मैंने आपको बताया, यह अगर आपका एक सेल है, इस सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए ना। इस फूड लेके कौन आता है? ब्लड, और किसके साथ आता है? तो ऑक्सीजन के साथ लेके आता है, करेक्ट। तो और वेस्ट मटेरियल जो है शरीर के बाहर जाना चाहिए ना,
किसके साथ चला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, रिस्पिरेटरी गैसेस, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सच एज लैक्टिक एसिड्स फ्रॉम द मसल्स, लिवर एंड विटामिंस एंड हार्मोन, रेगुलेट द बॉडी, आपके बॉडी का जो पीएच वैल्यूज होता है वो भी रेगुलेट कौन करता है, ब्लड करता है, मींस और बफर एंड बॉडी टेम्परेचर, हीमोस्टेटिस एंड द वाटर बैलेंसेस, ये सारा काम कौन करता है, शरीर में पानी की, क्योंकि जैसे सेल क्या होता है ना, हाइपोटोनिक हो गया, आपको मैंने बताया था हाइपोटोनिक सेल्स हो गया मतलब पानी की कमी है, और हाइपोटोनिक सेल हो गया मतलब क्या है, पानी की अधिकता है, इसमें पानी अधिक है तो बाहर निकलना चाहिए, पानी कम है तो अंदर आना चाहिए, सारे का सारे कंट्रोल होता है ब्लड्स के द्वारा। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मीन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट, आपको मैंने बताया था ना कि ब्लड के अंदर जो WBC होते हैं, ये WBC के जो सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये सारे मिलकर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं और यही बनाते क्या है, एंटीबॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, या उसको इनगल्फ करने का काम करते हैं। सपोर्ट द ट्रेजिडिटी टू सर्टेन ऑर्गन लाइक पेनिस एंड निपल्स, तो पेनिस और निपल्स में जो ट्रेजिडिटी जो होता है उसको ये मेंटेन करता है कौन, ब्लड्स। आइए, वो ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर टू टाइप्स, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये एक्चुअली टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स उसको जरूर लिखिएगा। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोस थ्रू द लार्ज ओपन स्पेस एंड चैनल लाइक कॉल्ड लैक्यूना एंड साइनसेस अमोंग द टिश्यूज, तो लैक्यूना एंड आईएमएस को मतलब ओपन चैम्बर के थ्रू, किसी चैम्बर में नहीं जाता है, ओपनली ये मूव्स करता रहता है ब्लड। लेकिन इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोस थ्रू ए क्लोज सिस्टम चैम्बर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, दूसरा टिश्यूज आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद ब्लड, तो अगर जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना तो डायरेक्ट टिश्यू क्या होगा, ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, लेकिन ब्लड डज नॉट कम डायरेक्ट इन द कॉन्टेक्ट विद टिश्यूज, क्योंकि इसके बीच में लिम्फ आ जाता है। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो एंड ब्लड हैज वेरी लो प्रेशर, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो इनको काफी कम प्रेशर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ब्लड इज क्वाइट रैपिड एंड ब्लड हैज एन हाई प्रेशर। ओके, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन एंड गैसेस पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स टू इट्स फ्लूइड्स फ्रॉम वेयर दे पासेस ऑन द टिश्यूज, मैंने बताया था ना कि इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, लिम्फ की जरूरत पड़ेगी। ओके, द लेस एफिशिएंट एज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू ए टिश्यूज कैन नॉट कंट्रोल ए ब्लड फ्लो आउट इन द ओपन स्पेस, तो काफी कम मात्रा में ब्लड वॉल्यूम जाता है तो इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे मोर एफिशिएंट वॉल्यूम्स होता है, सो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, ताकि इसको हार्ट मसल्स को रिलैक्सेस करना पड़े कि कितना ब्लड आना है और कितना ब्लड नहीं जाना है। ये दोनों में डिफरेंस आप कह सकते हो कि ये क्लोज चैम्बर है जो एडवांस एनिमल्स में जैसे मेमल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और ये नॉन मेमल्स में देखने को मिलता है जिनका यूनिसेलुलर एनिमल्स है, जिनका डायरेक्ट ब्लड के साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है वो काम बन जाता है, करेक्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन हायर इनवर्टेब्रेट्स लाइक ऑर्थोपोडास, ये हायर इनवर्टेब्रेट्स में पाया जाता है लाइक ऑर्थोपोडास सच एज प्राउन इंसेक्ट ईटीसी इन द सम ऑफ द मोलस्कस, तो जो हायर ऑर्थोपोडास हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो याद रखना एग्जाम्पल से इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर्म और मोलस्कस एनालिट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ओके, ऑर्थो मींस ज्वाइंट लेग, याद रखना ये ऑर्थोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंट लेग एनिमल्स, ज्वाइंट लेग एनिमल्स। ओके, आइए, रिस्पिरेटरी पिगमेंट इफ प्रेजेंट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, अगर यहाँ पर रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है तो प्लाज्मा के डिजॉल्व होते हैं, और RBC आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे RBC नहीं देखने को मिलता है, रिस्पेक्टिव पिगमेंट प्रेजेंट एंड मे बी डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड द RBC, तो रिस्पेक्टिव पिगमेंट की यहाँ कमी होती है और यहाँ पे क्या होता है, रिस्पेक्टिव पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लियर। आप देख सकते हो ये कैरिड, ये हम इसको एक समराइज करके मैंने पूरी तरह से अपनी सारी बातों को यहाँ पे प्रयास किया है आपको देने का, आप इसको नोट डाउन कर लोगे और इस फिगर को बना लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको बार बार देखोगे। देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड्स फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, तो लंग से हार्ट में कैसे गया, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, देखो एक्चुअली ये एक्सेप्शंस है, पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शंस, बिकॉज जो प्योर ब्लड्स होता है, जो प्योर ब्लड होता है, ये प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है,
प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करता है। कौन करता है? आर्टरीज करता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे लंग्स से जो कैरी करता है वो पल्मोनरी वेन करता है। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज, ओके, कैरीज, ओके, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहाँ के कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑर्टियम। तो लंग्स से अब यहां तक तो लेके आ गया कौन? आर्टरीज। लेकिन आर्टरीज के बीच में क्या जाएगा? लंग्स। तो लंग्स से हार्ट तक, लंग्स से हार्ट के तक कौन ले जाएगा? पल्मोनरी वेन। और बॉडी से वहां तक कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आया और फिर यहाँ से प्योर ब्लड लेके चला गया पल्मोनरी वेन आपके बॉडी में। और फिर बॉडी से कहाँ चला जाता है? आप देख लोगे ऑर्टियम टू द हार्ट एंड ब्लड पेशे पासेस थ्रू द ओपन मेटेरियल वाल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स व्हिच इज द हार्ट मेन पंपिंग चैंबर्स। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द मेटेरियल वाल्व क्लोज। तो यहाँ पे जो आप बोलते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो बोलते हैं वाल्व खराब हो गया, अगर ये वाल्व खराब हो जाएगी तो ये ब्लड क्या होगा? यहाँ पे आ नहीं सकता है। ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हार्ट। ओके, तो यहाँ से ये हार्ट से ब्लड आ गया और यहाँ से फिर ये सप्लाई होता है एओटा, और एओटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। ओके, अब देखो कैरिज डीऑक्सीजन, ये जो सुपर वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड लाता है फ्रॉम राइट ऑर्टियम टू द हार्ट। कहाँ गया? ये हार्ट में। अलाउ ब्लड टू लीव द हार्ट वाया आर्टरीज, और ये पल्मोनरी वेन में चला गया। ओके ओके, और फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द राइट ऑर्टियम टू लेफ्ट, इसमें क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इन्फेरियर वेना कावा कैरियर ब्लड्स फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द हार्ट। अगर आप सबों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तब जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस होगी तो मैं इसको डील कर दूंगा। ओके, चलिए आप देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कौन कौन सी, या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, या डिजीज है जैसे टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या डियर, पहला डिजीज का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD बोल सकते हैं। क्या है? कंजेस्टिव हार्ट डिजीज जिसे कहते हैं CHD, या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज कहा जाता है, सेप्टिकल डिजीज कहा जाता है, SD कहा जाता है, और ये क्या है? एटिसिया है, और दूसरा क्या है? एरिथमिया। तो इस डिजीज की चर्चा हम लोग अगले क्लासेस में करेंगे। ओके, कि कौन कौन सी डिजीज होती है और यह डिजीज किस प्रकार के होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, एथ्रोमा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चलिए अगले क्लास में बाकी चीजों को हम देखते हैं। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। हम लोग बुधवार की क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप हार्ट के बारे में कोई भी क्यूरीज होगा तो आप अपने ग्रुप्स के चैनल पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए आप घरों में रहें, स्टे रहें, लर्न विद मेरे साथ पढ़ाई करते रहें, क्रैक द एग्जामिनेशन एंड यूज SP AJ Kumar इज योर रेफरल कोड्स फॉर, अगर अनअकैडमी पर मुझे देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, एमिनेंट एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, इट इज माई पर्सनल यूट्यूब चैनल as well as it is my telegram apps for getting your notifications. Okay, fine.